क्या बात है बेटा, तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। शायद मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं करते। मम्मा लव्स यू, तुमसे बहुत प्यार करती है। भले कभी कभी तो मुझे भी हसद होने लगती है कि वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। बाबा ये सब कहने की बात है, आपने देखा था वो कैसे डांट रही थी मुझे। चलो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या बुरा लगा? और वैसे भी मम्मा को तो तुमने पसंद किया था ना, और मुन्नी तो तुम्हारी दोस्त है। मुन्नी तो छोटी है ना, उसकी तो किसी से भी दोस्ती हो सकती है। तो बड़ों में क्या कमी है? बड़ों के पास वक्त नहीं होता। अच्छा तो ये बात, चलो तो ठीक है, कल हम दोनों घूमने चलेंगे और समंदर पे खेलेंगे। मुझे इस घर में खेलना है। समद चलें? वानिया को नानी के यहाँ भी छोड़ना है। मुझे नहीं जाना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना भाई, वानिया क्यों कहीं जाएगी, वानिया यहीं खेलेगी अपने घर में। अच्छा बेटा हम लोग अभी आते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? Cheer up, शाबाश, that's like a good girl. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा ये सौदा है इनका। अरे भाई लॉटरी का टिकट मिलेगा? सुना इस मोहल्ले में लॉटरी बहुत लगती है। नहीं भाई। नहीं है? अच्छा फिर भी सुन, लॉटरी का मतलब होता है कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, लेकिन ये कमबख्त लॉटरी सबकी लगती नहीं है। हम बेचारे दिन रात चक्कर लगाते हैं और माल कोई और ले होता है। हफीज भाई जल्दी कर दे, मुझे काम से जाना है। कितने पैसे हुए हफीज भाई? पैसे? अब पैसे की कमी कैसी? 750 रुपए। तो दो दो कमाने वाले हो गए। अरे अरे इतना गुस्सा! सच्ची तो कह रहा हूं, इतनी गैरत पहले दिखानी थी ना, अब तो ये सब कुछ सुनना पड़ेगा।
जी भाई, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुकून चाहिए। बताओ। अजलान, वेट वेट, अरे अपना अजलान चलें। दोस्त मेरा सलीम, कैसा? गुड टू सी यू यार, कैसा? यह अजलान, शादी क्या हुई, तुम तो भूल ही गए। सलीम, दोस्त मेरा जी, आपने तारुफ करवाया था शादी का। ये हैं अजलान की मिसेस। और यहाँ कैसे? वो आपकी भाभी को लाया था शॉपिंग वॉपिंग के लिए। यहाँ इनके मतलब का क्या मिलेगा? जो भी उन्हें पसंद आ जाए, मतलब बात तो ठीक है, अजलान तो भाभी की खुशी में खुश रहता है। भाभी, लकी हैं आप, ऐसे शोहरों की तो औरतें ख्वाब देखती हैं जो सर झुका के हर बात मान जाए। मेरा ख्याल था कि अजलान की वाइफ उसी की तरह मॉडर्न होगी। यार यू नो व्हाट ना, कि अजलान शुरू से ही इतना क्लासी रहा है और यूनिवर्सिटी में तो उसकी शुरू से ही धूमधाम रहती थी। लड़कियां तो फिदा थी इस पे, लेकिन ये सब बाद में, पहले कुछ पेट में जाएगा तो ही बोला जाएगा। हाँ, आई थिंक वी शुड ट्राई सम पिज़्ज़ा। ओह सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि दरअसल हम लोग पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं। तुम्हें पसंद है ना पिज़्ज़ा? नहीं, मार्केट से नहीं, आई यूजुअली बेक इट होम, सम ऑफ माय सिलेक्टेड इनग्रीडिएंट्स। हो गया, आप आ गए, जरा सी देर हो जाती तो हांडी जल ही जाती। सभी कुछ जल जाता। वानी ऐसे क्यों एक्ट कर रही है? बहुत रोक ले, कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है गलती शायद मेरी ही है। वो कैसे? मुझ में इन दिनों बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, बात पे बात मेरा लहजा सख्त हो जाता है और आज भी ऐसे ही हुआ। वानिया माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, वो मूड्स और रवैये की संजीदगी को समझती है। ये फिक्र तो मुझे भी हो रही है, वो समझदार है, बड़ी हो रही है, वो अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए सरमत, मेरी उससे मोहब्बत में बाल बराबर भी फर्क नहीं आया। मुझे इस बात का यकीन है,
लेकिन देखो एक बात तो है कि जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे या देना नहीं चाहते, कुछ भी हो रिश्तों का फर्क तो है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे पहले दिन कह दिया था कि मुन्नी आपके लिए और वानिया मेरे लिए सौतेली नहीं है। देखो हकीकत तो यही है, अगर मैं किसी बात पे वानिया को डांट दूं तो सब यही कहेंगे कि बाप ने डांटा है, लेकिन अगर उसे तुम डांटो तो सबके मुंह पे एक ही बात होगी कि आखिर सौतेली माँ है ना। आप ठीक कह रहे हैं। हर इस एंगल से सोचते हैं तो परेशान मत हो, हमारी फैमिली है, हल भी हमें निकालना होगा। हाँ जरूर, तुम बस खुश रहा करो। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा अच्छा लगा तुम्हें? बहुत। लेकिन असलान एक बात तो बताएं, जब आपने शॉपिंग मॉल में अपने दोस्तों को देखा तो आप इतना गुस्से क्यों गए थे? कोई मसला है क्या उनसे? नहीं, वो अचानक से आ गए थे तो मुझे मिलना नहीं था इसलिए। मुझे तो लग रहा है जनाब कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। ये मेरा और आपका पर्सनल रूम है, अब मैं इस तरह से बाहर थोड़ी रह सकती हूँ। इसमें जैसी आजादी है बाहर कैसे मिल सकती है मुझे? देखो मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मतलब है कि क्लास स्टेटस जिसका हम दोनों हिस्सा हैं, आई मीन कि इस तरह से पहनकर लोग समझेंगे कि एक वर्ड है। जिसको जो समझना है समझ लीजिए। देखें अजलान, इंसान को अपने हुदूद का पता होना चाहिए, यानी मैं हंस की चाल चलने की कोशिश करूं और अपनी भी गवाह बैठूं। तुम कोई भी चाल मत चलो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छी, ठीक है? भी कोई पूछने वाली बात अभी रहे। जो आप कहेंगी वो ही होगा आपके लिए। प्रॉमिस? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो हैं इतनी अच्छी, जो भी कहेंगी वो।
अरे आप भी ले ना ये बिरयानी। हाँ हाँ क्यों नहीं, खाके देखिए बिरयानी और आपके हाथों से और इसका मजा दुबाला हो जाएगा। आप तो लें, जाने दें उसे। मुझे आप दोनों से बात करनी है। आप बोलो बेटे। मुझे